Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी का हम चेक इन करेंगे. ओके, सो उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ. एक्चुअली अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं. आपको सब्सक्राइब के बटन के साथ ऊपर ज्वाइनिंग का ऑप्शन भी दिखेगा, ज्वाइन का बटन है वहाँ पर. आप उस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास वहाँ पर दो लेवल्स आएंगे. एक है ₹29 का लेवल, वो फर्स्ट लेवल है. उस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी और आपकी डिमांड पर वीडियो बनाऊँगी. एंड द सेकेंड लेवल है वो ₹89 का लेवल है. अगर आप वहाँ पर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको लेवल वन की सारी वीडियोस नज़र आएंगी और साथ में मैं आपको लव, करियर, फाइनेंस और कुछ ऐसे टिप्स भी प्रोवाइड करूँगी जो कि आपकी इन सारी चीज़ों को एनहांस करेंगे. जॉब करियर की रीडिंग उस लेवल पर आपको मिलेगी और लेवल वन की भी सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगी. ओके, सो डू जॉइन बिकॉज कुछ ज़्यादा नहीं मैंने कॉस्ट रखी है बिकॉज लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. इट इज़ अ लिटिल सपोर्ट, आई होप यू विल सपोर्ट मी. अप तो आज हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं. तो पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी डिवाइन मैस्कुलाइंस की. ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, डिवाइन फेमिनाइंस क्या होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस क्या होते हैं, मेरी एक वीडियो है. सबसे पहली वीडियो जो मैंने ट्विन फ्लेम्स पर बनाई थी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं. सो लेट्स चेक डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी. चेक करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके हेड स्पेस में क्या चल रहा है. पहले मैं वो कार्ड्स निकाल. ओके, ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइंस के हेड स्पेस की है. डिवाइन मैस्कुलाइंस के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइंस के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. ओके, डिवाइन मैस्कुलाइंस के 3D स्पेस में क्या चल रहा है, क्या एक्शंस ले रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस. ओके, डिवाइन मैस्कुलाइंस बहुत चेंज एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं. डिवाइन मैस्कुलाइंस ये चीज़ सोच रहे हैं कि वो अपने जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनसे कांटेक्ट करें. उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि वो आपको कांटेक्ट करें, डिवाइन फेमिनाइंस को कांटेक्ट करें. आई मीन टू से दैट. ओके, वो ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि अगर अब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को कांटेक्ट करेंगे, मतलब उनके दिमाग में है एक सोच है. ये सोच का मतलब है उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी डिवाइन फेमिनाइंस अभी तक उतनी ही वीक है जैसे वो पहले वीक थी. तो अगर वो अब कांटेक्ट करेंगे अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को तो फिर एक पैशनेट रिलेशनशिप में उनके साथ एंटर कर जाएंगी, ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइंस सोचते हैं. वो ऐसा सोचते हैं कि आज भी डिवाइन फेमिनाइंस उन्हीं एनर्जीज में ऑपरेट कर रही हैं जिन एनर्जीज में वो एक दूसरे से सेपरेटेड हुए थे. ऐसा सोचते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में. फ्रॉम देयर हेड स्पेस, दिमाग से वो ये चीज़ें सोच रहे हैं. सो लेट्स सी कि उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलाइंस ये बात को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन में, उनकी एक इंट्यूशन है, दिल से वो इंट्यूशन है कि वो जानते हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनाइंस है
उन्होंने एक अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है जिसकी वजह से वो स्टेबल हो गई हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गई हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो अब उस तरह से शायद नहीं सोचती हैं, ये वो अपने दिल में जानते हैं। मतलब एक द्वंद्व चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। दिमाग से वो आज भी डिवाइन फेमिनाइंस को वीक समझते हैं, लेकिन दिल से उन्हें ये बात पता है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो, सॉरी, जो डिवाइन फेमिनाइन है, एक ही डिवाइन फेमिनाइन होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन है वो स्टेबल हो गई हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो यूनिडायरेक्शनल हो गई हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर लिया है। ये कहीं ना कहीं वो दिल से इस बात को जानते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन से इस बात को समझते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, मींस जिनके साथ वो अब रह रही हैं, मींस डिवाइन फेमिनाइंस जिनके साथ रह रही हैं उनके साथ वो बहुत खुश हैं, केयर फ्री नेचर के साथ रह रही हैं, ये बात डिवाइन मैस्कुलाइंस अपने दिल में सोचते हैं डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में। 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है? 3D वर्ल्ड में डिवाइन मैस्कुलाइंस जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अपनी तरह से शेप देना चाहते हैं, और वो इस शेप देने में जो इन्वॉल्वमेंट है वो डिवाइन की चाहते हैं, उनसे ब्लेसिंग चाहते हैं। अब वो इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, इतना मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलाइंस अपनी ज़िंदगी का कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से उनकी डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस्ड हैं वो भी किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकें। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि वो चाहे हेड स्पेस हो, चाहे हार्ट स्पेस हो, चाहे 3D स्पेस हो, तीनों स्पेस में सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं। वो कंटिन्यूसली चेजिंग एनर्जीज में हैं, वो इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डिवाइन फेमिनाइंस को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की। बहुत टाइम के बाद डिवाइन मैस्कुलाइंस की ऐसी एनर्जी नज़र आई है, बहुत ही ड्रास्टिक सा शिफ्ट है। देखिए, वो इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक नई डायरेक्शन पकड़ना चाहते हैं, जो डायरेक्शन उन्हें डिवाइन गाइड करे वो ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और अपनी इस पेन, इस सफरिंग को ख़त्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है। वो इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, और ये बहुत एब्रप्ट चेंज आया है डिवाइन मैस्कुलाइंस के अंदर। और अगर इस चेंज के साथ वो डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ को बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशी होगी। लेकिन अभी मुझे ये देखना है कि डिवाइन फेमिनाइंस उनको किस तरह से एक्सेप्ट करना भी चाहती हैं कि नहीं करना चाहती। डिवाइन मैस्कुलाइंस तो डिवाइन फेमिनाइंस के पास आना चाहते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन फेमिनाइंस की कैसी एनर्जी है, किस तरह से वो डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ अपना बिहेव रखना चाहती हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन फेमिनाइंस की क्या एनर्जी है। ओके, कम्युनिकेशन, ये हेड स्पेस की एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइंस की। लेट्स टेक आउट हार्ट स्पेस एनर्जी, ओके, लेट्स टेक आउट 3D एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन।
मुझे पता था डिवाइन मैस्कुलाइन्स को बहुत देर बाद उनकी नींद खुली है। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस अपने हेड स्पेस से ये बात चाहती हैं कि जो उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो उन्हें कांटेक्ट करें, ठीक है। लेकिन वो कांटेक्ट इस वजह से नहीं चाहती हैं कि सारी की सारी डिवाइन फेमिनाइंस की बात कर रही हूँ मैं, कि कुछ ऐसा चाहती होंगी कि हाँ वो कांटेक्ट करें कि उनकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, बट बहुत सारी फेमिनाइंस ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि वो एक बार बैठ कर उनसे एक बात कर लें कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं, ओके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में क्लियर हो जाएं। डिवाइन फेमिनाइंस के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी को अब बेहतर बनाना चाहती हैं और उस डायरेक्शन में वो हर एक एफर्ट करना चाहती हैं। इस डायरेक्शन में वो अपनी पूरी जान लगाना चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब कभी अंधेरा ना छाए। और डिवाइन जो फेमिनाइंस हैं वो हेड स्पेस से अपने लव्ड वंस जिनके साथ वो अब इस टाइम पर हैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहती हैं। और बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनकी फैमिली उनको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही है, उनके पाथ पे आगे कम्प्लीटली सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइंस को। ये सब उनके हेड स्पेस की एनर्जीज हैं, दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हार्ट में डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर चुकी हैं। डिवाइन ने उनके बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिन्हें रिवाइव कर दिया है, अब वो इमोशनल भी हैं लेकिन वो डिवाइन के साथ डीप कनेक्शन में हैं। वो इस इमोशनल कप के अंदर गहराई तक जा चुकी हैं और वो इस इमोशन को समझती हैं, बट हमेशा ये जो इमोशन है वो डिवाइन के साथ वो फील करती हैं, यूनिवर्स के साथ फील करती हैं, अपने मैस्कुलाइन के साथ नहीं फील करती हैं, ओके। और डिवाइन फेमिनाइन को एक बात पता है कि जो भी इनजस्टिस डिवाइन मैस्कुलाइन ने उनके साथ किया है वो डिवाइन अपने आप उस चीज़ का डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास करवाएंगे और डिवाइन मैस्कुलाइन से जो भी जस्टिस डिवाइन फेमिनाइंस चाहती हैं वो डिवाइन उन्हें ज़रूर दिलाएंगे, ये यूनिवर्स ज़रूर दिलाएगा उन्हें। जिस जस्टिस की उम्मीद है वो जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ऐसा डिवाइन फेमिनाइंस अपने दिल में सोचते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस डिवाइन मैस्कुलाइन के दिए हुए दुखों को, दिए हुए गम को, दिए हुए जो चीट था या जिस भी तरह से दुख पहुंचाया, जिस भी तरह से ट्रिगर किया है डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन को, वो उस एनर्जी को कभी नहीं भूलेंगी, वो इस चीज़ को कभी नहीं अपने दिल से भूल सकती हैं। वो ट्रू फेमिनाइंस हैं, ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिन्होंने अपना यूनियन अपने डिवाइन के साथ कर लिया है। 3D वर्ल्ड के अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है और अपनी इंट्यूशन के बेस पे उन्हें ये बात पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी के अंदर कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग 3D में सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन चल रही हैं, वो चीज़ की इंट्यूशन डिवाइन फेमिनाइंस को है लेकिन उन्हें ये भी पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी ज़िंदगी के अंदर फिर उसी चीटिंग एनर्जी से आना चाहते हैं, जो कि सच है। रीज़न ये है कि उनके हेड स्पेस के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइंस की हेड स्पेस के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र चल रहा है। वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर कम्प्लीटली ऑनेस्टी से इनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते, इस चीज़ की इंट्यूशन डिवाइन फेमिनाइन को डेफिनेटली है। और डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी फैमिली से अपनी चीज़ों के साथ
अपने पर्सनल, पर्सनल मीन्स सिर्फ उनकी, उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, ये एनर्जीज हैं डिवाइन फेमिनाइंस की, हायर एनर्जीज में ऑपरेट कर रही हैं वो। किसी भी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं चाहती कि वो उन्हें हर्ट करें, दोबारा से हर्ट करें। ओके, सो लेट्स चेक कि इनकी कनेक्शन एनर्जी क्या है, इनकी हेड स्पेस की कनेक्शन एनर्जी क्या है, डीएम और डीएफ की जो कनेक्शन एनर्जी, हेड स्पेस की कनेक्शन एनर्जी क्या है, व्हाट इज द कनेक्शन एनर्जी इन द हेड स्पेस ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस क्या है। ओके, ये हार्ट स्पेस की, एंड वाटर्स इन 3D, 3D में इन दोनों की कनेक्शन एनर्जीज क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन की, डिवाइन फेमिनाइन की। आई नीड ओनली वन कार्ड, क्या कनेक्शन एनर्जी है 3D में, क्या कनेक्शन एनर्जी है, पता था। देखो, दोनों को इस चीज़ का पता लग चुका है कि डिवाइन फेमिनाइन, कि वो खुद डिवाइन फेमिनाइन है, वो ये बात जानती हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ये चीज़ पता लग गई है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया है। हेड स्पेस के अंदर दोनों, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं। जो चीज़ें उनके पास हैं वो उन्हें बिल्कुल भी देखना अब नहीं चाहते हैं, वो उनसे मुंह फेर कर उन चीज़ों की तलाश में निकल गए हैं जो कि उनके पास नहीं है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के पास क्या नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन के पास डिवाइन फेमिनाइन नहीं है, और डिवाइन फेमिनाइन के पास क्या नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन के पास डिवाइन का यूनियन तो है लेकिन अपनी हायर सेल्फ को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उस तरफ को जा रहे हैं। एंड हार्ट स्पेस के अंदर डिवाइन मैस्कुलाइंस ये चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस उनके सारे के सारे जो भी इमोशनल वो हो रखे हैं इस टाइम पर, उन इमोशंस को समझें, और डिवाइन फेमिनाइन ये चाहते हैं कि जो उनके इमोशंस हैं अब उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन हर्ट ना करें, किसी भी लेवल पर हर्ट ना करें। और 3D स्पेस में ये है कि जो डिवाइन, लेट मी वन मोर कार्ड आई नीड फर्स्ट, राइट राइट राइट, माई इंट्यूशन इज राइट। 3D वर्ल्ड के अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक इमोशनल प्रपोजल लेकर जाना चाहते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन ये प्रपोजल इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन चाहती तो थी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, लेकिन इस तरह का यूनियन वो नहीं चाहती हैं। वो ये ही चाहती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन कंप्लीट 100% सच्चाई से उनके पास आए, ये चाहते हैं। ओके, लेट्स सी विद आकाशिक रिकॉर्ड्स कि क्या है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। 1-1 कार्ड आई विल टेक आउट। ओके, क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइंस की, क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइंस की, क्या है कनेक्शन एनर्जी इन दोनों के बीच में। ओके, जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो एक अननोन पाथ पर अब चलने के लिए तैयार है,
वो कहीं ना कहीं पहले बहुत टाइम से इस चीज़ को लेकर डर रहे थे कि ये रास्ता उनके लिए है भी है कि नहीं है, ये रास्ता उनके लिए ठीक है कि नहीं है, इन चीज़ों को लेकर वो डर रहे थे और वो दो चीज़ों के बीच में बहुत लंबे टाइम डिवाइन मैस्कुलाइंस कंफ्यूज रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ आया कि वो अपने सोल की या अपनी इनर वॉइस सुने कि अपने कार्मिक्स की आवाज़ सुने। उन्होंने बहुत लंबे टाइम अपने कार्मिक्स के ऊपर ध्यान दिया है, बहुत लंबे टाइम अपने कार्मिक रिलेशनशिप को अपना फोकस बनाया है, लेकिन अब वो इस अननोन पाथ पर चलने के लिए तैयार है। और जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बैलेंस में आ चुकी हैं और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के बीच में किसी भी तरह का कोर्ट केस चल रहा है तो डिवाइन फेमिनाइन के जीतने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस वो अटेन कर लिया है। डिवाइन फेमिनाइंस हायर सेल्फ में जा चुकी हैं लेकिन वो स्टिल काम कर रही हैं और काम करती रहेंगी, क्योंकि उन्हें उस चीज़ से इतना डर लग चुका है आज के टाइम पर कि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो किसी भी तरह से इम्बैलेंस में नहीं आना चाहती। वो कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो ये भी चाहती हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस बैलेंस में आकर उनके साथ यूनियन करें, लेकिन कई डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो यहाँ 3D में यूनियन नहीं चाहती हैं, वो यहाँ पर किसी भी तरह का यूनियन नहीं चाहती हैं। उन्हें ये बात पता है कि यहाँ 3D में उन दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं है। वो ये जानती हैं कि हायर सेल्फ में अगर ये यूनियन लिखा है तो हायर सेल्फ में होगा, इस दुनिया में नहीं होगा। और दोनों के बीच में जो कनेक्शन एनर्जी है वो लविंग एलिमेंट्स की एनर्जी है, ये चीज़ बताती है। मैंने ये चीज़ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बोली है कि आप कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ही ऐसी हैं जो यहाँ पर यूनियन नहीं चाहती हैं, सो डोंट ऑफेंड इन दिस थिंग। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो यहाँ पर यूनियन चाहती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ पर यूनियन नहीं चाहती हैं, तो इस बात पे कंट्रोवर्सी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि हर किसी के लाइफ का अपना अपना प्लेटफॉर्म है। ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पर यूनियन नहीं चाहती हैं और जिनके अंदर ये यूनियन वाली फीलिंग है वो इस वजह से है क्योंकि उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस ने उतनी नीचे तक जाकर उन्हें ट्रिगर नहीं किया है। ओके, सो इसलिए आपको इसमें ऑफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द अदर, जो आप लोगों की कनेक्शन एनर्जी है वो लविंग एलिमेंट्स की एनर्जी है। जो ये लविंग एलिमेंटल्स की एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइंस तो इन्जॉय कर रही हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइंस तब ये एनर्जी को इन्जॉय कर पाएंगे, वो इस एनर्जी को इन्जॉय करने के लिए तैयार तब हो पाएंगे जब वो इस अननोन पाथ पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ हर्डल्स क्रॉस करने होंगे, उन्हें सेल्फ के ऊपर काम करना होगा, उन्हें आगे की तरफ को बढ़ना होगा, उन्हें हर एक एलिमेंट को पहचानना होगा, उन्हें बच्चे की तरह अपने आप को अंदर से प्योर करना होगा। अगर अभी भी दिमाग में कुछ षड्यंत्र लेकर चल रहे हैं तो ये आपके षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी इस टाइम पर बहुत 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 हायर। ओके, सो मैं अभी भी आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही सीक्रेट कनेक्शन होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होता है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। आपने जो नॉलेज गूगल के थ्रू गेन की है या किसी भी चीज़ के लिए गेन की है, हर किसी की जो पाथ जर्नी है वो अलग अलग होती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइंस होते हैं जिनका यूनियन यहाँ 3D में होता है, कईयों का यहाँ पर नहीं होता, उनका डिवाइन यूनियन होता है 5D के अंदर। सो सारे के सारे ट्विन फ्लेम्स ये सोचें कि हमारा यूनियन यहीं पर ही पॉसिबल हो जाएगा, और कुछ तो इस कारण डर रहे होंगे। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर ये डर होगा कहीं हमारा डिवाइन मैस्कुलिन वापस हमारी ज़िंदगी में ना आ जाए, तो वो इसी वजह से डर होता है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स ने उन्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया होता है कि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना ये बैलेंस अचीव किया है। सो घबराने की बात नहीं है, जिनका यूनियन यहाँ पर लिखा है वो यहीं पर होगा, जिनका 5D में लिखा है वो 5D में होगा, और जिन डिवाइन फेमिनाइंस का अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से डिवाइन यूनियन यहाँ पर नहीं होगा, उनकी ज़िंदगी में उनके सोलमेट्स आएंगे।
ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.